हेलो गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एसएस फिल्म। सो गाइस, कैसी है अपनी फैमिली? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं तो काफ़ी मज़े में हूँ और आज है संडे का दिन। लेकिन गाइस, संडे का दिन होते हुए भी अपने साथ एक हो चुकी है मिसहैपनिंग। मिसहैपनिंग कुछ यूं हुई कि कल हमने संडे राइड का प्लान किया था, लेकिन आज सवेरे हुआ यूं कि फ़िलहाल अभी विंटर सीजन चल रहे हैं, तो एज़ यू नो, ब्लैंकेट से बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ। और जैसे अलार्म बजता रहा और मैं स्नूज़ बटन प्रेस करता रहा, और देखते ही देखते बज गए 9:30। और 9:30 बजे मुझे जाना होता है अपने शोरूम पे, क्योंकि मेरा शोरूम जो है वो संडेज़ को भी ओपन रहता है लेकिन दोपहर तक रहता है। तो फिर मैं निकल गया अपने शोरूम के और बाद में जब अभी आया दोपहर को, तो लंच लेते लेते बात हुई कि हमें कुछ काम से जाना है कोडिनार, और पूरा फैमिली जा रहा है तो तुम भी चलो। तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, आप सब जाओ बाई कार और मैं आता हूँ अपना प्राइवेट जेट लेके, क्योंकि बीइंग अ बाइकर और संडे का दिन हो और बाइक ना चलाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने प्राइवेट जेट से और बाकी सब लोग आ रहे हैं कार से, और बाकी बातें करते हैं बाइक पे। तो चलिए मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो गाइज, फाइनली आई एम ऑन माई बाइक, यानी कि माई बूसा, माई लव। और आज है संडे का दिन, और प्लानिंग कुछ ऐसा था कि आज सवेरे सवेरे संडे राइड पे जाएंगे, लेकिन अब विंटर्स चल रहे हैं और ठंड इतनी थी कि सवेरे अलार्म बजा और मैं स्नूज़ करता रहा करता रहा, और फाइनली मैं ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आया। तो सवेरे सवेरे उठने में हो गया लेट, तो आज की संडे राइड है वो हो गई मिस। वैसे फ़िलहाल मैं कुछ काम से, मतलब कुछ फैमिली के काम से जा रहा हूँ कोडिनार, तो सोचा कि संडे राइड नहीं की तो क्या हुआ, हमें तो जिधर भी बाइक चलाने मिल जाए वही हमारी संडे राइड। बाइकर्स का क्या है, उसको तो कहीं पर भी बाइक चलाने मिल जाए तो फिर वही राइड प्लान हो जाती है। तो फिर फैमिली के काम से जाना था कोडिनार, तो सारा फैमिली जो है वो आ रहा है कार से, तो फिर मैंने कहा कि भाई आप कार में कंफर्टेबली आओ, मैं ले लेता हूँ अपना बाइक, इसी बहाने मेरी राइड भी हो जाएगी, आपसे बातचीत भी हो जाएगी और जो संडे राइड वाली फीलिंग है वो भी आ जाएगी, क्योंकि आज की राइड हमने कर दी है मिस। तो एक तीर से 4-5 निशान लग जाएंगे तो फिर क्या ही बात है। बाकी और बात करूँ तो आपने पिछला वाला जो व्लॉग है जिसमें कि हमने नए एक्सपल्स की डिलीवरी ली है वो तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है लिंक, जाके देख लो। और वो एक्सपल्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो है एक्सपल्स 204V, और 4V वाला जो मॉडल है वो हमारे एरिया में एक भी नहीं है। उससे पहले वाला जो मॉडल था वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 4V फर्स्ट है हमारे एरिया में, तो उसे वो स्पेशल बाइक बना देता है। यहाँ पर 4-लेनिंग का काम चालू है, शायद से जहाँ तक मुझे याद है तब से तकरीबन 5-1 साल से काम चालू है, लेकिन पता नहीं अब और कितने साल तक चालू रहेगा। वैसे ये जो 4-लेनिंग है ये पूरा सोमनाथ से लेके भावनगर तक बनेगा, और बहुत ही स्लो काम चालू है, थोड़े दिन चलता है फिर अचानक से रुक जाता है, पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये रोड बन जाता है तो फिर राइड करने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इस रोड से हम काफ़ी दिक्कतें झेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे रोड में बाइक चलाना इज़ लाइक अ नाइटमेयर। और वैसे इस रोड की जो कंडीशन है उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। रिसेंटली में ही एक एक्सीडेंट हुआ था,
न्यूज़ वाले दिखाते रहते हैं, लेकिन ये जो हाईवे अथॉरिटी वाले हैं उनको शायद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवेज जो भी हो, जब भी रोड बनेगा तो अपने तो मज़े ही है। तब तक के लिए हम भी संभाल कर चलाएंगे, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते उसके सिवा। दर्शन भाई काफ़ी पीछे रह गए, उसने मुझे बोला कि तुम आगे निकलो, मैं थोड़ा स्वीट्स लेके आता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो स्वीट्स लेने नहीं, स्वीट्स बनाने गए हैं, उतनी देर लगा दी। और बाइक लेके निकलने का एक रीज़न और भी है कि जब से मैं लोनावाला से वापस आया हूँ तब से भूसा निकालने का मुझे टाइम ही नहीं मिला है। कहीं ना कहीं मैं अपने बिजनेस में बिज़ी था और कुछ ना कुछ पंगे आ रहे थे, सो आज लगे हाथ वो भी सेटल हो गया तो भूसा निकल गई है। और कई दिनों से भूसा चला ही नहीं थी तो फिर कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा था, तो फाइनली आज वो मज़ा भी ले लूँगा मैं। और हाँ गाइज, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया कि रिसेंटली में ही मैंने एक व्लॉगिंग सेटअप इम्प्रूव करने के लिए एक कैमरा परचेस किया है, उसका भी व्लॉग, अनबॉक्सिंग का व्लॉग है, वो डाल दिया है अपने चैनल पे। तो अगर वो भी नहीं देखा तो जाके देख लो, शायद से आप में से कोई व्लॉगिंग करता हो और आपके भी काम आ जाए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब तक मैं उससे हैबिचुएटेड नहीं हुआ हूँ, जैसे जैसे यूज़ करूँगा यूज टू हो जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं भी सीख रहा हूँ उसमें, क्योंकि मेरा कामकाज कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं काफ़ी सारा कैमरा यूज़ करूँ। बेसिकली जैसे सब करते हैं, मैं मोबाइल का कैमरा यूज़ किया करता हूँ। तो इस बार सोचा कि क्यों ना कुछ हटके किया जाए, तो फिर फाइनली मैंने लिया DJI Osmo Pocket 2 का क्रिएटर कॉम्बो। एज ऑफ नाउ आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ दैट थिंग, क्योंकि उसका वाइड एंगल काफ़ी बढ़िया है और वो अपने आप में गिम्बल भी है, तो फिर स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। बाकी तो जब उससे मैं पर्टिकुलरली व्लॉग करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि रिज़ल्ट में कैसा है, कि जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, वॉइस कैसा है। वैसे उसमें वायरलेस माइक भी दिया गया है, तो आई थिंक वॉइस की जो दिक्कत है वो तो नहीं आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे मालूम पड़ेगा। वैसे आज भूसा पे मैं ये रोड पे फर्स्ट टाइम निकला हूँ, ये रोड पे कभी निकला नहीं हूँ भूसा लेके। लेकिन अब थोड़े बहुत पैचेस हो चुके हैं हाईवे के, तो फिर अच्छा है, नहीं तो ये रोड की हालत इससे भी बदतर थी, जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा। ये रोड जहाँ तक बना है वहाँ तक पूरा का पूरा ऐसा ही है, थोड़े पैचेस में काम हुआ है, बाकी डाइवर्जन्स लगा दिए हैं, और जो डाइवर्जन्स लगाए हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। और जल्दी जल्दी में मैंने एक मिस्टेक कर दी कि मैं अपने जो स्पोर्ट्स शूज़ है वो पहन के आ गया, राइडिंग शूज़ नहीं पहने हैं, तो बाइक चलाने में कुछ अनकम्फर्टेबल हो रहा है। क्योंकि बाइक चलाते वक्त अगर प्रॉपर राइडिंग गियर नहीं हो तो कुछ खाली खाली सा लगता है। पहले ऐसा होता था कि जब हम बाइक चलाते थे अगर हेलमेट पहना है तो पूरा सिर भारी भारी लगता था, लेकिन अब हुआ है कुछ यूँ कि अगर हेलमेट नहीं पहना है या फिर ग्लव्स नहीं पहना है, जैकेट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ घट रहा है। और वैसे ये आदत भी अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारी सेफ्टी के लिए तो है। बाकी फ़िलहाल तो हम ले रहे हैं सफ़र के मज़े, ये सुहाने से रोड, और बाइक तो अपने पास है ही, माय लव, तो फिर क्यों ना इस मोमेंट्स को जी। रात के 12:20 हुए हैं और हम अभी थोड़ी ही देर पहले निकले हैं अपने रिलेटिव के घर से और जा रहे हैं अपने शहर की ओर। तो फिलहाल हमें तय करने हैं ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स, और
45 किलोमीटर्स का जो रोड है उसमें से काफ़ी सारा रोड काफ़ी घटिया कंडीशन में। और दर्शन भाई जा रहे हैं आगे लीड करते हुए। इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेवल्स है और ग्रेवल्स में बाइक चलाना कभी कभी तो मैं आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं इस रोड पर भूसा को लेके आ गया। मुझे लेके आना चाहिए था मेरा ड्यूक, क्योंकि भूसा ऐसे रोड के लिए नहीं बनी है, वो है माइल मंचिंग मशीन। और फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भूसा के साथ कर रहा हूँ ऑफ रोडिंग, जबकि ये इसके लिए बनी ही नहीं है। सो गाइस, बाकी बातें करते हैं घर पे जाकर, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको भी शायद कुछ अच्छा विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो फिर क्यों ना बाकी बातें घर पर ही करते हैं और ब्लॉग को करते हैं वहीं पर एंड। सो गाइस, दिस इज वेरी सेकंड डे व्हाइल आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, क्योंकि कल रात को मैं व्लॉग एंड कर नहीं पाया, क्योंकि एज यू नो आपने रोड की कंडीशन देखी थी कैसी है, काफ़ी घटिया कंडीशन में था रोड। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मतलब मैं इतना पक गया था वो रोड से कि क्या ही बताऊँ। और फिर मैं इतना थक गया था कि घर पे आके सीधा सो ही गया और सीधा आपके साथ बात कर रहा हूँ शोरूम में बैठ के। सो गाइज, होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो यू नो द ड्रिल, क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आप देख सके और आप भी एंजॉय कर सके। सो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।